कल रात को डिनर में मैंने अफगानी चाप मंगाई थी, साथ में थे काबुली चने और मुंह मीठा किया अफगान जलेबी खाकर, क्योंकि अफगानिस्तान ने कल जो कर दिया है उसने अभी तक बोरिंग चल रहे इस वर्ल्ड कप में जान डाल दी है। लेकिन एक मिनट, अफगानियों से पहले थोड़ा इंग्लैंडियों से बात कर लेते हैं। हाँ भाई इंग्लैंड वालों, सूजी है, वर्ल्ड कप डिफेंड करने आए हो? अरे इज्जत डिफेंड कर लो पहले, इज्जत। एक काम करो, इज्जत भी चुपके से ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर रख लो, कोहिनूर की तरह छुपा लो, कम से कम सेफ तो रहेगी। लेकिन इंग्लैंड वालों, मानना पड़ेगा, भारत पाकिस्तान मैच के बाद दोनों टीम के फैंस में एक दूसरे को लेकर काफी टेंशन था, लेकिन आप लोगों ने कल दोनों फैंस को एक करके सेलिब्रेट करवा दिया। हालांकि पाकिस्तान वालों को पहले से बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ आपका मैच अभी बाकी है, वो भी चेन्नई में, इसलिए थोड़ा हौले हौले, ठीक है ना? जोर का झटका धीरे से लगेगा। अफगानिस्तान की इस टूर्नामेंट में पहली जीत जरूर है लेकिन आखिरी नहीं है। एक ऐसा ऑफर लेकर आया हूं जो आपने न कभी सुना होगा और न कभी कोई आपको ये बताएगा। देखो, हार तो आपको पता है, लेकिन हार की पनौती के बारे में मैं बताता हूं। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच था दिल्ली में, और दिल्ली में अभी तक इस मैच में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है, चाहे मैच इंडिया का न भी हुआ तो भी। और वैसे भी कई अफगानी दिल्ली में रहते हैं, ऊपर से संडे का दिन था, यही वजह कि स्टेडियम में 26,000 से ज्यादा लोग आए। ये देखकर इंग्लैंड के भिंडी रोना एक्सपर्ट माइकल वॉन काफी खुश हुए और कहने लगे कि ये लोग वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को देखने आए। जॉस बटलर भाई, मैं बता रहा हूँ, यहीं से आपको पनौती लगी है, और अगर आपको ये पनौती हटानी है तो किसी तरह इलॉन मस्क को बोलकर माइकल वॉन का ट्विटर अकाउंट बैन करवाओ, वरना ये आदमी जो ट्वीट करता है ना उसका उल्टा हो जाता है। कल भी इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और फिर तुरंत ही रहमानुल्लाह गुरबाज ने उनके फैसले को गलत साबित किया। मात्र 57 गेंदों में 80 रन बनाकर उन्होंने अफगानिस्तान का बेस सेट कर दिया, और उनको खेलते देखकर पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे कि अरे ऐसे भी ओपनर होते हैं जो तेज खेल सकते हैं, बताओ भला। एक बार बेस बना दिया तो फिर उस पर खाली टॉपिंग करनी होती है, और अफगानिस्तान वालों ने काफी कायदे से करी है, खासकर उनके विकेट कीपर इकराम ने राशिद और मुजीब के साथ मिलकर अफगानिस्तान को 284 तक पहुंचाने में मदद करी। अफगानिस्तान तो मैच विनिंग टोटल तक लेकर पहुंचोगे, कब पहुंचोगे, तुरंत से पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक। दिल्ली की पिच पर जो टारगेट अफगानिस्तान ने दिया था वो इंग्लैंड के हिसाब से कम ही लग रहा था, लेकिन फारूकी ने पहले ही ओवर में जब जॉनी जॉनी को नो पापा कहलवाया, वहीं से इंग्लैंड का खराब टाइम शुरू हो गया। इसके बाद अफगानी स्पिनर्स को तो भैया आप जानते ही, राशिद खान, नबी और मुजीबुर रहमान ने निकाल दी इंग्लैंड की जान। इंग्लैंड वाले इतना घबरा गए जैसे किसी ने उनका कोहिनूर वापस मांग लिया हो। लेकिन लगातार गिरते विकेट के बावजूद इंग्लैंड अफगानिस्तान पर भारी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब नवीन उलक ने जॉस बटलर को बोल्ड मारा उसके बाद इंग्लैंड वालों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। नवीन को सपोर्ट करने के लिए वैसे भी कोहली भाई पिछले मैच में बोल कर गए दिल्ली वालों को, नवीन तब से दिल्ली वालों के फेवरेट बने हुए हैं, और जब उन्होंने बटलर का विकेट ले लिया इसके बाद तो भाई दिल्ली वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, शिकंजा कस दिया गया और इंग्लैंड के ताबूत में मुजीब और राशिद कील ठोकते चले गए। क्रिस वोक्स को जिस गेंद पर मुजीब ने बोल्ड मारा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर उसका रिप्ले देखो, मजा ना आए तो पैसे वापस। इधर अफगानिस्तान विकेट ले रहा था और उधर कैमरा वाले जॉस बटलर का चेहरा दिखा रहे थे जिस पर साफ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, इंग्लैंड का लाइफ वाकई खराब हुआ। और अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का पहला उलटफेर करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन को 69 रन से हराया। 69, जी हाँ, अचानक से वर्ल्ड कप में मजा आने लगा है। खेलते हैं, जय हिंद।